अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन खारा बूंदी। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल रख लूँ मैं। इसी में डाल देंगे एक कप बेसन। इसको छान के रख ली थी। आप क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी में डाल देंगे थोड़ा हल्का सा नमक डाल देंगे। इसी में डाल देंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, ऑप्शनल है नमक और हल्दी डालना अभी इसी स्टेज में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं इसको। एक जिस कप से बेसन ली थी उसी कप से पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह आप भी कीजिए। इसको अच्छे से एक घोल तैयार कर लेंगे। अच्छे लम्स फ्री बैटर बन के तैयार हो चुके। इस तरह पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला, बहुत ज़्यादा पतला ना करेंगे, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे, सही से नहीं बनेंगे, गोल गोल नहीं बनेंगी। पूरा एक कप पानी डाल चुकी हूँ मैं। आपके बेसन के ऊपर डिपेंड होता है, पानी कम या ज़्यादा भी लग जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना। इसको ढक के 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुका है सेट होने के लिए रखा हुआ था। इसी में डाल देंगे एक टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छा इस तरह का फेंटेंगे उतना हमारे गोल गोल बूंदियाँ बनकर तैयार हो जाएंगे। इस बात का छोटे मोटे ट्रिक को थोड़ा फॉलो कीजिए। अच्छे से 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट ली हूँ मैं। इस तरह स्मूथ बनकर तैयार हो चुका है। कलर थोड़ा लाइट हो चुका है, आप देख लीजिए। ऑयल गरम होने के लिए रख दी थी। ऑयल गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम धीमा है। अच्छा खासा ऑयल गरम होना चाहिए। एक डाल के इस तरह डाल के टच करेंगे। फौरन इस तरह होना चाहिए, तभी हमारा ऑयल परफेक्ट गरम हो चुका है। इसी स्टेज में आप डालते जाएंगे। इसको निकाल लेंगे। इस तरह झारा लेंगे। आपके पास इस तरह झारा हो तो चलेगा, ये नहीं है तो आपके पास इस तरह जो पकोड़े वगैरह तलते हैं ना, इस तरह होल थोड़े बड़े होना चाहिए। इस तरह आपके पास जो अवेलेबल है वो लीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। इस तरह घुमाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, शेक करते जाएंगे। गैस का फ्लेम धीमा है, तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। क्रिस्पी गोल्डन होने के बाद इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। अब देख लीजिए कितना गोल गोल बने हैं। ये थोड़ा छोटा वाला है, आपको दूसरे वाले में भी डाल के बताऊंगी मैं। पूरे झाग ख़त्म हो चुका है, बबल्स आना ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये क्रिस्पी बने हैं, गोल्डन भी हो चुके हैं। इसको निकाल लेंगे। अभी इसी वाले में डाल के बताऊंगी मैं। थोड़ा मोटे वाले हैं, एक ही तरफ नहीं पकड़ना है। इस तरह घुमाते हुए इसको डालते जाना है। इसको इस तरह शेक कर लेंगे। इसको निकाल लेंगे गोल्डन होने के बाद। आप 1 से 2 इस तरह झारा रख लेना है। आपके पास झारा 1-2 नहीं है तो आप इस तरह इसको क्लीन करके 2 से 3 बार बनाने के बाद इसको इस तरह डाल सकते हो। सारे बूंदी बनाकर हो चुका है। इसी में डाल देंगे कड़ी पत्ता डाल देंगे। क्रिस्प होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता, फ्रेश वाला कड़ी पत्ता। इसको निकाल लेंगे, इस बूंदी में डालते जाएंगे। इसी के साथ मूंगफली डाल देंगे। अपने हिसाब से आप डाल देना, मुझे ज़्यादा पसंद है हमारे घर में, इसलिए मैं 1/2 कप ले रही हूँ। इसको भी अच्छे से इस तरह झारे में रख के ही फ्राई कर लेना, आपको निकालने में आसानी होगी। अच्छे से चटक रहा है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम है। अच्छे से क्रैकल हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। इसी की इस बूंदी में डालते जाएंगे। इसी में डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल, वरना नहीं। ये डालने से इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा।
लहसुन को कुचल के डालना, सारा मत डालिए उड़ जाएगा। इसको भी निकाल के डाल देंगे इसी। इसमें थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे, आधा टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हो, काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। थोड़ा नमक डाल देंगे, बेसन का आटा कलाने में भी नमक डालियो में, आप देख के डाल देना। इसी में थोड़ा आमचूर पाउडर भी डाल देंगे, आप चाट मसाला डालते हो तो आप आमचूर पाउडर को स्किप कीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। हल्दी पाउडर मैं बेसन में डाल चुकी हूँ पहले से ही। कितना अच्छा हमारा इस बारिश के मौसम में इवनिंग स्नैक्स नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, देख लीजिए। हमारा मज़ेदार नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है, बेसन वाले मसाला बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे भी दुआओं में याद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में डालकर 5 से 6 महीना आप एंजॉय कर सकते हो। मैं थोड़ा क्वांटिटी में बनाई हूँ इसलिए मुझे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़।